शिमला युवा कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला के चौड़ा मैदान से युवा कांग्रेस ने रैली निकालकर विधानसभा का कूच किया। इसी बीच युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वेरिगेटिंग को फांदकर पुलिस के ऊपर गिर गए। फिर क्या था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दूसरी तरफ से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डंडे व पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। जब तक पुलिस पानी की बौछार करती, कांग्रेस के दर्जन कार्यकर्ता, पुलिस के आधा दर्जन व मीडिया के चार लोग घायल हो गए। जिसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के पास लगभग एक घंटे के लिए चक्का जाम कर दिया। वहीं विपक्ष ने युवा कांग्रेस पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन से वॉकआउट कर विधानसभा के गेट के बाहर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन को शीर्ष नेतृत्व का फेलियर बताया है। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 2014 के चुनाव में हिमाचल से चारों सांसद जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया। केंद्र के सारे फैसले जनविरोधी हैं, फिर चाहे राफेल डील में धांधली हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की बात हो, किसानों की बढ़ती आत्महत्या, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी हो, या फिर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश, केंद्र ने जनता के साथ धोखा किया है। जबकि हिमाचल में बढ़ती नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पंजाब की तर्ज पर कड़ा कानून बनाया जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बनाए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो विरोध कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज का ये मामला विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजा और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने लाठीचार्ज की निंदा की और जो घायल हुए हैं है, और जो जो उनके खिलाफ जो है मुकदमे किए जा रहे हैं, झूठे मामले किए जा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार जो है शुरुआत में ही दमन पे उतर आई है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीचे तक जाएंगे, अभी तो वही है ना, हो बर्बाद, हो बर्बाद, लाठी डंडे वाले हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। छात्रों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों पे अत्याचार नहीं चलेगा। अभी भारत की सरकार को भेजो, लाठी को जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस 500 लोगों को एकत्रित कर खबरों में बने रहने के लिए ये सब कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है, जबकि प्रदेश में इस तरह का कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार फेल हुई हो। यहाँ पर नशा बढ़ा है और ड्रग्स में, ड्रग्स के कारोबारी, ड्रग्स के जो गलत लोग हैं जो इस यहाँ पर कारोबार बढ़ा रहे हैं उसके खिलाफ, और राफेल जो डील हुई है नरेंद्र मोदी जी और अंबानी की, जिसमें मिली भगत है पूरा देश, इसमें सवाल कर रहा है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अब इन सवालों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे जवाब पूछने, पुलिस ने पहले हमारे साथी जो गिरे तुरंत उन पर लाठीचार्ज किया, पानी चलाई, ईंट के पत्थरों से मारा गया। ये हमारा साथी अजय, आप देख लीजिए किस तरह से सर पटा है, आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल में है, दर्जनों से अधिक हमारे साथियों को चोटें आई हैं, कुछ लोग एडमिट हैं। पुलिस पुलिस को अपना काम करना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत है तो गिरफ्तार करें, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, और अभी भी पुलिस अपनी गुंडाई पे उतरी है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है, लड़ते रहेंगे। इस गुंगे बेरे सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आगामी कार्रवाई क्या करेंगे बाबू? इस गुंगे बेरे सरकार भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा हिमाचल में हमने भारत बचाओ जन आंदोलन कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। इस डेमोक्रेसी में कोई संगठन में कोई आदमी भी इस सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं। इस देश में कोई इस सरकार का खिलाफ आवाज उठाता है वो देशद्रोही बनाता है, नहीं तो लाठीचार्ज चलता है, नहीं तो गोली चलाता है। सोचने का बात है, लास्ट 6 महीने में हिमाचल तीसरी प्लेस में आया नशे पे, पंजाब ने ये बीजेपी वाले चलाते थे, आज वापस ये लोग हिमाचल में आ गया। इनका कहाँ कहाँ सरकार होता है वहाँ वहाँ चलाने का। अनिल अंबानी को आपने 10 दिन नहीं हुआ उसके बाद उसको डिफेंस के बारे में क्या जानकारी है, उस कंपनी को आपने दे दिया, सबसे बड़ा घोटाला कर दिया। ये सबसे देश में जो गैंग रेप बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रहा है, जो नौजवान जॉब से जो रस्ते रस्ते घूम रहा है, 6,000 के लिए हिमाचल का लोग बाहर जाके सिक्योरिटी का काम कर रहा है, जिस पूछने से आप लोग लाठी चार्ज करवा दिया, कम से कम 12 लोग के ऊपर आप लोग ने सर फोड़ा।
स्टार न्यूज के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।